अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिक शाह विद लेक्चर नंबर 8 ऑन वायरलेस नेटवर्क्स। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक्स। इन दिस लेक्चर वी विल कवर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स ऑफ हाउ टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। सो आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक्स। देखिए, पहले तो ये आप ये जान लें कि इनकोडिंग जो है वो है क्या चीज़, और हम इनकोडिंग करते क्यों हैं। बेसिकली इनकोडिंग जो है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस पैटर्न्स ऑफ वोल्टेज आर करंट लेवल्स टू रिप्रेजेंट वंस एंड जीरोज ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स ऑन द ट्रांसमिशन लिंक। देखें, जब हम भी कोई डेटा सेंड करते हैं, जो भी डेटा हम सेंड करते हैं, लाइक इट कैन बी वॉइस डेटा, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी वीडियो, तो जो डेटा हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है डिजिटल फॉर्म में, लाइक इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। लेकिन जब भी हम ये ट्रांसमिट करते हैं, तो बिफोर दैट ट्रांसमिशन वी मस्ट कन्वर्ट द डेटा इनटू सम रेडियो वेव्स, और यू कैन से एनालॉग फॉर्म। ओके, सो बिफोर ट्रांसमिशन वी हैव टू एनकोड, वी हैव टू एनकोड दीज डिजिटल डेटा इनटू सम फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल और रेडियो वेव। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग, इनकोडिंग डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलेशन और इनकोडिंग। सो दस डिजिटल डिवाइसेस आर अटैच्ड टू द नेटवर्क वे अ मॉडेम। तो इसका टेक्निक ये है कि हम किसी भी डिजिटल डिवाइस, लाइक योर कंप्यूटर, योर मोबाइल फोन, इनको हम अटैच करेंगे किसके साथ, किसी भी नेटवर्क के साथ थ्रू अ मॉडेम। मॉडेम मीन्स योर राउटर, योर स्विच। ओके, एंड दैट मॉडेम दैट इज, इट इज़ यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। इन ये डेटा को मॉड्यूलेट या इनकोड भी करेगा, और इन द रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो है, या रिसीवर के साइड पे इसको डी मॉड्यूलेट भी करेगा, विच कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। यानी जो मॉड्यूलेशन जो है, ये डेटा को डिजिटल फॉर्म से कन्वर्ट करेगा एनालॉग फॉर्म में, और जो डी मॉड्यूलेटर है, इट विल कन्वर्ट इट बैक फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर ट्रांसमिशन। देखिए, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि हम ये इनकोडिंग करते क्यों हैं। ये इसलिए करते हैं कि एक तो हम डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करें एनालॉग या वेव्स के फॉर्म में, और वो जो वेव है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो इसको ट्रांसमिट करे ऑप्टिमाइज तरीके से। यानी एक, यू कैन से, एक करेक्ट, एक कंप्लीट तरीके से इसको क्या कर, ट्रांसमिट भी करें, ताकि इसमें कोई लॉस ना आए, कोई एरर इसमें ना आए। सो मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑफ द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल। देखें, मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था इन द प्रीवियस क्लासेस कि हमारे पास किसी भी साइन वेव या सिग्नल की तीन पार्ट्स अहम होते हैं। वन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी इसकी जो इंटेंसिटी या साइन वेव की जो हाइट होती है, उसे हम पीक भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द सेकंड इज फ्रिक्वेंसी, यानी साइकल्स पर सेकंड इसके कितने हैं, और फेज, फेज मीन द स्टार्टिंग एंगल। लेट मी शो यू एन एग्जांपल फ्रॉम दी स्लाइड्स। हियर यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड पीक एम्पलीट्यूड, जो कि टॉप की तरफ जा रहा है ऊपर, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी मीन साइकिल, वन साइकिल, टू साइकिल्स एंड थ्री, यानी साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। और फेज इज स्टार्टिंग, जहाँ ही स्टार्ट हुआ है। सो एवरी सिग्नल हैज दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड फेज। ओके, सो दीज वर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन वॉट इज मॉड्यूलेशन एंड वॉट इज डी मॉड्यूलेशन। इन मेनी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इट इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल। इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल मीन्स, यानी जब भी हम किसी सिग्नल की बात करते हैं, तो वो सिग्नल में इंफॉर्मेशन होती है। इट मे बी आइदर टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो विद अ वेव फॉर्म, यानी जो वेव होता है हमारे पास, देट कैन पास एक्यूरेटली थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, दिस असाइनिंग ऑफ अ सूटेबल वेव फॉर्म इज अकम्प्लिश्ड बाई मॉड्यूलेशन। यानी
इस जो डेटा है इसको जब हम किसी वेव फॉर्म में ट्रांसमिट यानी कन्वर्ट करते हैं तो इट इज डन बाय मॉड्यूलेशन व्हिच इज द प्रोसेस बाय व्हिच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैरियर वेव इज वेरीड, यानी जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसका कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक हम चेंज कर लेते हैं, यानी या तो इसका हम फेज चेंज करेंगे या पर फिर हम इसका इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे या फिर हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हम चेंज करें या इन तीनों में से हम दो करें या तीनों के तीनों चेंज कर दें, इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी किसी भी सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना टू मेक इट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ओके, द मॉड्यूलेशन सिग्नल इज देन ट्रांसमिटेड ओवर अ चैनल आफ्टर विच द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बेरिंग सिग्नल इज रिकवर्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डीमॉड्यूलेशन। और रिसीविंग साइड पे होती है डीमॉड्यूलेशन जो कि वापस उसी सिग्नल को अपनी असल हालत में ले आता है और इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिसीवर को मिल जाती है। इनकोडिंग और मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमारे पास कौन सी है, यानी हम किन किन तरीकों से मॉड्यूलेशन जो है ना वो कर सकते हैं। सो वी हैव द थ्री थ्री काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसके सिंपली शॉर्ट इट्स कॉल्ड ए एस के। द टू बाइनरी वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाई टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी। देखिए जब हम बाइनरी डेटा की बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की, तो वो हमारे पास होता है इस तरह के फॉर्म में, यानी यू हैव सम डिजिट्स लाइक वी हैव 00110100 एंड 10। वी हैव दिस डिजिटल डेटा बाइनरी डेटा एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा विद दिस सिग्नल लाइक 20 जो है ना वो ऊपर है, इसके बाद 1 1 है अगला, तो 1 के लिए क्या होगा कि द एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड। ओके, यहाँ तक 1 अगेन 1 0 1 0 0 0, यानी हमारे पास दो सिग्नल लेवल्स हैं जीरोस एंड वंस, 0 1 जीरोस एंड वंस। ओके, सो दिस इज बाइनरी डेटा, दिस इज द डिजिटल सिग्नल। ओके, इन एस के द टू बाइनरी वैल्यूज यानी जीरो एंड वंस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है हम इसके हमारे पास एम्पलीट्यूड्स कितने होते हैं, हमारे पास दो ही इसके एम्पलीट्यूड्स होती हैं, यानी जीरो के लिए एक एम्पलीट्यूड और वन के लिए दूसरे एम्पलीट्यूड, जीरो के लिए एक हाइट और वन के लिए दूसरी हाइट, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड्स। सो कॉमनली वन ऑफ द एम्पलीट्यूड इज जीरो। ओके, दैट इज वन बाइनरी डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाई द प्रेजेंस एट कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, द अदर बाई द एबसेंस ऑफ द कैरियर, यानी एक हमारे पास प्रेजेंस है और दूसरे हमारे पास एबसेंस, प्रेजेंस एबसेंस या जीरोस वन टू टू लेवल्स हमारे पास हैं। इट इज टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द बाइनरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशंस इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, यानी एम्पलीट्यूड में अगर हमारे पास वेरिएशन आता है तो हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास चेंज डेटा है। सो इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड कैन से की शिफ्ट कीइंग, यानी हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो से शिफ्ट होता है वन में, जीरो से वन में, वन से फिर जीरो में। ओके, सो अगर इस डेटा को हम चेंज करेंगे इन द लॉग फॉर्म में और ए इसके हम यूज करेंगे तो वो फिर होगा इस तरह जो आप नीचे देख रहे हैं, जीरोज हैं तो हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। जो ही हमारे पास वन अपेयर हुआ तो वन के लिए क्या हुआ, द एम्पलीट्यूड, देखें यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या था, जीरो, यानी बिल्कुल इसकी हाइट इस तरह नहीं थी। ओके, जीरो पे हाइट नहीं है, जब वन आया तो वन पे हमारे पास क्या हुआ, हाइट शुरू हो गई, टू वंस हैं तो यहाँ पे देखें एक वन के लिए हमारे पास ये टू ना वो है, इस पे कंफ्यूज ना हो कि ये टू क्यों है या फोर क्यों है, लेकिन द वन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू साइकल्स, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय अगेन और टू साइकल्स, लेकिन देखिए ये हाइट एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगी, जीरो के लिए अगेन नो एम्पलीट्यूड, नो एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड, लेकिन वन के लिए अगेन वी हैव टू एम्पलीट्यूड्स, या अगर हम यू कहें कि वी हमारे पास ही एम्पलीट्यूड की हाइट है। सो जीरो मीन्स नो एम्पलीट्यूड, वन मीन्स
एम्पलीट्यूड, इस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड शिफ्ट, कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो रहा है, जीरो के साथ एम्पलीट्यूड एक है और वन के साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अनदर एग्जांपल, वन है तो एम्पलीट्यूड एक तरह का है, जीरो है तो एम्पलीट्यूड हमारे पास चेंज है, ठीक। वन है तो एम्पलीट्यूड ऊपर टॉप मतलब हाइट पे है, जीरो है तो एम्पलीट्यूड कम है, यानी वन के लिए एम्पलीट्यूड चेंज होगा और जीरो के लिए एम्पलीट्यूड हमारे पास चेंज होगा, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। लेट्स मूव टू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग एम्पलीट्यूड सेम रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब यहाँ पे देखें, जीरोज हैं तो जीरो के लिए भी एम्पलीट्यूड यानी टॉप के लेवल तकरीबन सेम, इसकी स्ट्रेंथ या हाइट सेम है इस इन साइकिल्स की, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जीरोस के लिए फ्रीक्वेंसी को देखें, बहुत मतलब वन साइकिल एंड टू साइकिल्स, यानी जीरो के लिए वी हैव ओनली वन साइकिल, फॉर दिस जीरो वी हैव अनदर साइकिल, यानी एक जीरो वन साइकिल, लेकिन जब वन आया हमारे पास तो वन के लिए वी हैव टू साइकिल्स, फॉर ईच दिस वन अगेन वी हैव टू साइकिल्स। तो फ्रीक्वेंसी इज चेंज, जीरो के लिए फ्रीक्वेंसी स्लो है और वन के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगेन जीरो है तो फ्रीक्वेंसी स्लो हो गई, वन है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। इट मींस द फ्रीक्वेंसी इज शिफ्टिंग, द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। अब इसको रीड कर लें, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग इज बाइनरी एफ एस के, इसे हम बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग भी कहते हैं। बाइनरी इसलिए कि हमारे पास दो ही फ्रीक्वेंसीज होती हैं, स्लो या फिर ज्यादा, एंड विच द टू बाइनरी वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी हमारे पास टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ज्यादा और कम, नियर द कैरियर फ्रीक्वेंसी। इट इज द डिजिटल मॉडुलेशन टेक्निक इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिजिटल सिग्नल चेंजेस। ओके, यानी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें एम्पलीट्यूड सेम रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ साइकिल्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज बाइनरी वैल्यूज। अनदर एग्जांपल, वन है तो फ्रीक्वेंसी एक तरह की है, जीरो है तो फ्रीक्वेंसी, ये देखें ये उसी तरह है, ये नहीं कि आप जीरो पे फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे और वन पे ज्यादा रखेंगे। अब ये डिपेंड्स, आप पर डिपेंड करता है कि आप वन के लिए स्लो रखते हैं यानी दो साइकिल्स हैं, और जीरो के लिए आपने यहाँ पे चार रखे हैं, अगेन जीरो के लिए फोर है, वन के लिए टू है और जीरो के लिए फोर साइकिल्स हैं। सो इट मींस कि द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, ये वन है तो दो साइकिल्स हैं जीरो, ठीक है, या आप वन के लिए चार रखते हैं जीरो के लिए दो रखते हैं, वन के लिए चार कर दें जीरो के लिए वन रखे, डिपेंड्स ऑन यू एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, द लास्ट वन इज फेज शिफ्ट किंग। अब फेज शिफ्ट किंग में क्या होगा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो मतलब हम नहीं चेंजेंगे लेकिन फेज को हम चेंजेंगे। फेज इज द एंगल वेयर द सिग्नल स्टार्ट्स। अब देखें, इन फेज शिफ्ट किंग द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज शिफ्टेड टू रिप्रेजेंट डेटा। देखें, टू टेक्निक्स ऑफ फेज शिफ्ट किंग, हमारे पास इसके दो तरीके हैं। द वन इज कॉल्ड टू लेवल फेज शिफ्ट किंग और बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। एक का नाम है टू लेवल फेज शिफ्ट किंग, टू लेवल मीन्स बाइनरी, यानी बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, इसको बीएसपी के भी कहते हैं। अच्छा, टू लेवल में हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, ठीक है, यानी जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एंगल से और वन को फिर दूसरे एंगल से। लेट मी एक्सप्लेन अ डायग्राम, दिस वन, इट इज मोर क्लियर डायग्राम। देखिए, वन है तो वन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल जीरो पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जब साइकिल कंप्लीट हुआ अब वन जीरो स्टार्ट हुआ, तो जब जीरो स्टार्ट होगा तो साइकिल जो है वो कंटिन्यूली ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि इसका जो एंगल है जो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे एंगल अभी इसका बिल्कुल रिवर्स यहाँ से चला जाएगा, यानी साइकिल जो है ना वो रिवर्स से स्टार्ट हुआ है। वन पे नॉर्मल यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड इट गोज लाइक दिस वन, फिर जीरो स्टार्ट हुआ है तो जीरो के लिए ये टॉप पे नहीं गया बल्कि ये रिवर्स में गया, ठीक है, ये ऊपर जा रहा था लेकिन ये बिल्कुल इसके अपोजिट में, इट इज इसे कहते हैं 180 एंगल, ठीक है।
180 एंगल हमारे पास कहाँ पे होते हैं? जिस तरह आप सर्कल की बात करते हैं, लेट मी सर्च सम लाइक वी कैन से सर्किल एंड एंगल्स, और इमेजेस में जाएं और यहाँ पे इफ यू सर्च हेयर, यस यू कैन सी हेयर, दिस इज जीरो एंगल, सॉरी यहाँ पे जीरो है, तो फिर आप जाते हैं 30 एंगल, 45, 60, ये 90 है, और यहाँ पे यू कैन सी 180, यानी जीरो और 180 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो अपोजिट मींस के अगर ये एक तरफ है तो 180 दूसरी तरफ है, सो हियर यू कैन सी ये जा रहा था इस तरफ, ओके, लेकिन जीरो पे इसने टर्न ली और ये बिल्कुल अपोजिट चला गया, यू इट इज कॉल्ड 180 एंगल। गो बैक टू दिस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, द सिंपलेस्ट स्कीम यूजेस टू फेजेस टू रिप्रेजेंट द टू बाइनरी डिजिट्स। इसमें हम दो फेजेस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहला फेज जो है ना वो जीरो का है, तो अगला फेज 180 एंगल का होगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू फेज, ओके, इसमें बता दिया, और फेज रिवर्सल कीइंग भी से कहते हैं, इसमें फेज रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इन दिस टेक्निक द साइन वेव कैरियर टेक्स टू फेज रिवर्सल सच एज जीरो एंड 180 डिग्री, यानी इसमें अगर एक फेज जीरो का है तो दूसरे हमारे पास 180 का होगा, यानी इसमें रिवर्स होगा। हियर यू कैन सी जीरो है तो नॉर्मल यहाँ से साइकिल गया, अगला जीरो फिर साइकिल यहाँ पे गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे वन स्टार्ट हुआ तो वन पे देखें, जब साइकिल कंप्लीट हुआ जीरो का और वन स्टार्ट हुआ, तो बजाय इसके कि ये इधर आ जाता, इसने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ले ली, इट इज कॉल्ड फेज शिफ्ट कीइंग और बाइनरी। यहाँ पे देखें रिवर्सल फेज कीइंग भी है, तो यहाँ पे आया तो जीरो पे क्या हुआ, ये रिवर्स हुआ बैक, ठीक। तो इसमें ये जब जीरो यहाँ पे कंप्लीट, देखें ये जीरो था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर जीरो है तो ये आगे गया नॉर्मल मोड में, जब यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे जीरो वन स्टार्ट होता है तो वन में इट रिवर्स, साइकिल इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक। तो दो ही हमारे पास ही फेजेस हैं, आइदर दिस वन और दिस वन, अपोजिट साइकिल्स हैं, वी कॉल इट बाइनरी शिफ्ट कीइंग, टू लेवल्स या बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। अगला हमारे पास है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड फोर लेवल, इन इसमें चार लेवल्स होंगे या क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, QPS के। फोर लेवल्स में हमारे पास ये है या क्वाड्रेचर में कि दिस इज द फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक इन विच द साइन वेव कैरियर टेक्स फोर फेज रिवर्स, इसमें चार रिवर्सल्स होगी ऑन डिग्री 0, 90, 180 एंड 270। इफ यू क्लोज द लुक एट टू दिस हैंड रिटन स्नैपशॉट बनाया गया था, तो इसमें जो सबसे आपको समझने वाली बात है वो ये है कि जीरो पे ये एंगल स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ पे जब पहुंचा तो वी कॉल इट 45 डिग्री, फिर कॉल मिडल बेट इज कॉल 90 डिग्री, 90 के इवन होते 135 डिग्री, और एंड पे इट इज कॉल 180, यानी ये जीरो है तो ये हमारे पास 180 है, अगर ये 90 है तो 0 और 180, जस्ट लाइक वी सॉ इन दिस क्रोम वेब ब्राउजर, लाइक दिस इज द साइन वेव, तो 90 पे टॉप है, 0 एक तरफ और 180, यस अगर रिवर्स करेंगे तो 0 इस तरफ होगा और 180 हमारे पास इस तरफ होगा, सो यू कैन सी हियर दिस इज द हाफ सर्कल, तो 0, 180 और बीच में 90 है, ओके। अब जब यहाँ पे आया दूसरा सर्कल का जो दूसरा हाफ है, तो 180 के बाद ये 225 एंगल, 270 एंगल एंड 360 एंगल, इन 360 तक ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब अगर साइन वेव हमारे पास इस तरह है कि अब स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से नहीं बल्कि यहाँ से, इन यहाँ से, इट इज कॉल्ड इसका जीरो पर यहाँ पे आएगा, तो इट इज कॉल्ड वन, इसका इट इज कॉल्ड 45 डिग्री। अगर सिग्नल जो है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, यू कैन सी दिस पॉइंट, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल यहाँ से, इन यू कैन सी हियर यू, इट इज कॉल्ड 135 डिग्री। यहाँ पे देखें अगर सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यू सिग्नल स्टार्ट हुआ है इन यहाँ से, ये पॉइंट जो है ना वो ये है, इट इज कॉल्ड 225। तो ये हमारे पास वो लेवल्स हैं, आखिर वाला है 315 या जो भी है, ये देखें ये भी एग्जांपल है 45 डिग्री का, यहाँ तक आ गया, 135 है, तो 135 स्टार्ट्स फ्रॉम
हेयर यू कैन सी, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होता है, 225 यहाँ से है, तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, सो इसमें हमारे पास फोर लेवल्स होंगे। यू कैन सी गो बैक टू दिस पॉइंट 0, 90 and 270। ओके, सो ये 0 है, ये 90 से स्टार्ट होगा तो यहाँ से होगा, 180 से है तो फिर यहाँ से होगा, 270 से है तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, सो यू कैन ड्रा मल्टीपल लेवल्स इफ यू क्लोज अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। 45, 135, ओके, व्हाई नॉट, यू शुड हैव प्रैक्टिस ऑन देम। ओके, सो इफ आई गिव यू एन असाइनमेंट, कि होम असाइनमेंट है, चले लेट मी ड्रा स्लाइड्स, ड्रा क्यों, यानी क्यों क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल को आप ड्रा करें विद व्हाट डिग्री, डिग्री 0 पे हो, 90 पे हो, 180 पे हो एंड 270 पे, ये आप ड्रा कर दें। इट इज़ योर होम असाइनमेंट। ओके, दिस इज़ योर असाइनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बुक साथ साथ रीड करें, बुक के अंदर ये टॉपिक्स मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।